नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप त्रिपाठी स्वागत करता हूँ स्टडी पॉइंट 7 यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज का जो विषय है ये यूनानी आक्रमण एवं मौर्य साम्राज्य संबंधित है और ये भारत के इतिहास का लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न के कलेक्शन है वो टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट बना के उसमें अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यूनानी आक्रमण एवं मौर्य साम्राज्य पर है। यहाँ पर कुल 115 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन यूनानी आक्रमण पर हैं और 109 क्वेश्चन जो है मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, ठीक है, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो, अपना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासनकाल था? तो इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नंद वंश का अंतिम शासक कौन था उसका अंतिम शासक? वो था घनानंद ना, कौन था? घनानंद था, ठीक, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, ठीक है ना, क्या कहा है? अग्रमीज कहा है, ठीक। जोनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है और भत्साल उसका जो है सेनापति था, कौन था? भत्साल, भत्साल उसका क्या था? सेनापति था, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है ना, महापद्मनंद थे या फिर धनानंद थे या फिर सुकल्प थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद थे, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया। कारण इसका क्या बताया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन इसका, यानी कि जो कथन है वो सत्य होगा और जो इसका कारण बताया गया है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो वो गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, है ना, कौन सा साम्राज्य? हखामनी, है ना, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईस्वी पूर्व में, है ना, 326 ईस्वी पूर्व के वसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला, है ना। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईस्वी पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो इस प्रकार देखेंगे तो क्या है कि कारण जो है वो, है ना, कथन के साथ मैच नहीं कर रहा है, वो गलत है, आर गलत है और ए सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, है ना। तो कहाँ की स्त्रियां थी, किस राज्य की या किस गढ़ की स्त्रियां थी? तो अभिसार की थी या फिर ग्लौसाई की थी या फिर कठ की थी या फिर मसग की थी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, मसग की थी। तो क्या है कि जब सिकंदर के आक्रमण का समय, है ना, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? ये मसंग हुआ करती थी, ठीक है ना।
यूनानी लेखकों के अनुसार क्या है कि सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र को धारण किया था, शस्त्र उठाया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो भारत में सिकंदर की सफलता का क्या कारण था, हमें ये यहाँ पे तलाशना है। पहला है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा उसकी फौज बेहतर थी, तीसरा उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, और चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें क्या है कि सिकंदर की भारत में सफलता के जो ये कारण, उपयुक्त कारण जो दिए गए हैं, इनमें से जो स्टार्टिंग के तीन है, यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, ये सत्य हैं। अब क्या है कि डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है ना, कितनी शक्तियों का, 28 शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी, आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं दिखा है, है ना, कोई योगदान नहीं था, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा सही होगा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यूनानी आक्रमण से संबंधित ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था, है ना, सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था। तो नियारकस, या फिर आनेसिक्रिस्टस, या फिर डाइमेकस, या फिर अरिस्टोब्यूलस, है ना, या फिर अरिस्टोब्यूलस। तो इसमें अगर देखें तो आंसर क्या हमारा सही हो जाएगा, तो डाइमेकस, है ना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये जो है सिकंदर के साथ भारत नहीं आए थे। तो क्या था कि स्ट्रैबो के अनुसार, किसके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार, है ना, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा कौन थे, एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था, है ना, बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था, और किसने भेजा था, एंटियोकस ने भेजा था, ठीक है ना। तो वो सिकंदर के साथ नहीं आए थे, ठीक। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 106 क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य पर आधारित है, उसको स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या फिर समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा आंसर, चंद्रगुप्त द्वारा, है ना, तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर शासकों में अगर गणना की जाए तो महान शासकों में इनका गणना किया जाता है, ये भारत के महान शासक हुआ करते थे, और वे जो है भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे, और ये पहले ऐसे सम्राट थे कि जिनका जो शासन था, जो स्थापित शासन था, वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था, ठीक है ना। इनके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, उससे ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है, है ना, गुप्त वंश है, या फिर मौर्य वंश है, या फिर वर्धन है, या फिर कुषाण है। तो अगर देखेंगे तो सबसे पुराना जो राजवंश है वो हमारा मौर्य है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि जो इसका कार्यकाल है वो 321 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक, हा? 321 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक का था, ठीक है ना। और मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है ना। इसके बाद कौन सा वंश आया था, इसके बाद जो आया था वो कुषाण वंश आया था, ठीक है ना, कुषाण वंश आया था, और फिर इसके बाद में गुप्त वंश आया था। गुप्त वंश के जो कार्यकाल देखें तो कितना था, तो 319 से लेकर के
319 से लेकर के 550 ईस्वी पूर्व तक था, ठीक है ना, 550 ईस्वी पूर्व तक का था, और वर्धन राजवंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है भास या शूद्रक या फिर विशाखदत्त या फिर अश्वघोष। तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विशाखदत्त हो जाएगा और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब विशाखदत्त ने क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस, है ना, क्या लिखा था, मुद्रा राक्षस। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राजा का पुत्र माना गया है, किसका पुत्र माना गया है, नंद राजा का, ठीक है ना, या नंद राजा का जो है पुत्र माना गया है, ठीक है ना। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल, है ना, क्या बोला गया है, वृषल बोला गया है, और क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, कुलहीन बोला गया है, ठीक है ना। तो वृषल और कुलहीन, ठीक है ना, ये भी कहा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है ना, जस्टिन के द्वारा सेंड्रोकोटस किसको कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है या फिर चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है या फिर समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको जो है सेंड्रोकोटस जो है जस्टिन ने बताया है, ठीक। और इसमें जो विलियम जोन्स थे वो पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की, और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर था उसको अगर हम रिकॉल करें तो इसमें आंसर हमें मिल जाएगा कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी। तो इसकी पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है ना, भेंट का उल्लेख किसने किया है, तो जस्टिन ने किया है और बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के थे या फिर अशोक के थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के थे या फिर राजा जनक के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कौटिल्य जी को देखें तो इतिहास में इनको एक और नाम से बुलाया गया है, क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, इनको चाणक्य बोला जाता है ना, ये दो नामों से विख्यात थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए, ठीक है ना। तो कौटिल्य जी के पास जो तीन पद थे, है ना, कौन कौन से थे, प्रधानमंत्री, महामंत्री और पुरोहित, ठीक है ना। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, ठीक है ना। कौटिल्य जी ने अर्थशास्त्र नामक जो है ना, एक शास्त्र का जो है निर्माण किया, और यह भारत में राजशासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान क्वेश्चन है ये, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो बहुत आसान है, विष्णुगुप्त, है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाणक्य का अन्य नाम क्या था, भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या फिर विशाखदत्त। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, विष्णुगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है वो किस चीज से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक से या फिर आत्मकथा से या फिर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, है ना। तो जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आंसर दिया तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की यह पुस्तक थी, ठीक है ना। तो कौटिल्य द्वारा जो रचित पुस्तक है या है ना अर्थशास्त्र, इसमें अगर देखें तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सिद्धांत है,
एक है राजा, एक है अमात्य, एक है जनपद और एक है दुर्ग। दुर्ग के बाद में है कोस, दुर्ग के बाद है कोस, कोस के बाद है दंड और दंड के बाद में है मित्र, है ना। तो इतने जो है सिद्धांत में जो है सप्तांग के रूप में देखने को मिलता है। और इसी अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, है ना, अभी वही सिद्धांत हमने बताया, सप्तांग सिद्धांत किस चीज से संबंधित है। तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था, है ना, जनपद, दुर्ग, मित्र या फिर कोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मित्र है ये सातवां अंग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अब जहां पे भी आएगा तुम इसको ऑप्शन देख करके भी गेस कर सकते हैं कि आर्थिक जीवन से संबंधित है या धार्मिक जीवन से संबंधित है या फिर राजनीतिक नीतियों से संबंधित है या फिर सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है, कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र या फिर वात्स्यायन का कामसूत्र या फिर तिरुवल्लुवर का तिरुकक्कुरल, है ना। तो इसमें से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, है ना, की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल में डिमिकस भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे या फिर बिंदुसार के टाइम पे या अशोक के टाइम पे या फिर कनिष्क के टाइम पे। देखेंगे तो इसका आंसर मैं पहले बता चुका हूं, ये बिंदुसार के टाइम पे आया था, है ना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और स्ट्रोबा के अनुसार क्या है कि सीरिया के जो राजा थे वो कौन थे, एंटियोकस थे। उन्होंने डिमेकस को, है ना, डिमेकस को अपना एक राजदूत बना करके, है ना, बिंदुसार की सभा में भेजा था। ठीक है ना, और ये किसके स्थान पर आया था, ये मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। ठीक है ना, किसके स्थान पर, मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। कौन आया था, डिमेकस आया था। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्यतः देखेंगे तो लकड़ी का बना था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब बिहार में जो पटना है, पटना के समीप एक जगह है बुलंदी बाग और कुम्रहार, है ना, में की गई खुदाई से मौर्य काल से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष, है ना, सामने आए हैं, देखने को मिलते हैं। अब इसका श्रेय किसको जाता है, ये स्पूनर महोदय को जाता है। किसको जाता है, स्पूनर महोदय को जाता है। ठीक है ना, ये स्पूनर महोदय को जाता है। ठीक, और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्रहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार क्या होगा, जो पहला इनका जो मुख्य महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्रहार स्थल से प्राप्त हुए, है ना, कहाँ से प्राप्त हुए, वैशाली से प्राप्त हुए या पाटलिपुत्र से या कपिल वस्तु से या फिर श्रावस्ती से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र से। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था किसका, कपिल वस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का या फिर वाराणसी का। तो ये किसका प्राचीन स्थान था बुलंदी बाग, ये पाटलिपुत्र का, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, अशोक या चंद्रगुप्त या बिंदुसार या फिर कुणाल, है ना। तो इसमें देखेंगे तो चंद्रगुप्त आंसर होगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा और बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही बैठेगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, या विक्रमादित्य ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना? तो इसमें जो आंसर होगा वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, राजनैतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ था और प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो व्यास नदी से लेकर के सिंधु नदी तक, है ना, फैला हुआ था और रुद्र दमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है, है ना? रुद्र दमन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है और जैन ग्रंथ के अनुसार क्या है कि सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। अब उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में, है ना, हिंद कुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर के दक्षिण में मैसूर तक, है ना, फैला हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, है ना, वो कौन सा अभिलेख है जिससे पता चलता है? कलिंग शिलालेख है, या अशोक का गिरनार शिलालेख है, या रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख है, या फिर अशोक का सोपारा शिलालेख है, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख है, है ना, उससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर था। अब ये क्या है कि 150 ईस्वी में रुद्र दामन के जूनागढ़ शिलालेख में आर्नत और सौराष्ट्र, है ना, सौराष्ट्र का मतलब क्या है, जो गुजरात है, ना? जो गुजरात है, सौराष्ट्र मतलब गुजरात, है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल पुष्यगुप्त, है ना, कौन थे? पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख देखने को मिलता है जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था यह प्रमाणित होता है किस चीज से? ग्रीक विवरणों से, या रुद्र दामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, या फिर जैन परंपरा से, या फिर अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से, है ना? तो इसमें देखेंगे तो क्या है आंसर, वही है हमारा, रुद्र दामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त ने, या अशोक ने, या फिर बिंदुसार ने, या फिर चंद्रगुप्त ने, है ना? तो इसमें क्या होगा आंसर, चंद्रगुप्त होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक, है ना, पूर्वी भाग के शासक कौन थे? सेल्यूकस थे। ठीक है ना, कि आक्रमणकारी सेना को 305, है ना, 305 ईस्वी पूर्व, यानी कि 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो अभी अभी इसका आंसर दिया, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, 305। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया मानचित्र संबंधित है, कौन सा मानचित्र? ये जो हैचिंग वाला है एरिया, है ना, ये सब एरिया है ना, तो ये जो मानचित्र है ये किस चीज को दर्शाता है? वो अशोक से संबंधित है, है ना, तो अशोक के साम्राज्य को इंडिकेट कर रहा है, ये अशोक के साम्राज्य को दर्शा रहा है और अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है और असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है ना, तो ये कनिष्क से संबंधित नहीं, समुद्रगुप्त से नहीं, और हर्ष से संबंधित नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की?
अशोक ने की, अकबर ने की, रणजीत सिंह ने की या शिवाजी ने की, तो इतना हमें पता है कि सहिष्णुता, उदारता और करुणा, इन चारों में जो सागर हुआ करते थे वो अशोक जी थे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें देखें तो क्या है कि अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर, है ना, एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, है ना, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग, है ना। तो देखेंगे तो श्रीलंका क्या था, आउटर हो गया था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, तृतीय मुख्य शिलालेख में, द्वितीय मुख्य शिलालेख में, नवा शिलालेख मुख्य शिलालेख में, शिलालेख में, या प्रथम स्तंभ शिलालेख। तो अशोक के अभिलेख को क्या कि तीन वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला था शिलालेख, है ना, पहला था शिलालेख, दूसरा था स्तंभ लेख, है ना, दूसरा था क्या, स्तंभ लेख, और तीसरा क्या था, गुहा लेख। तो तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया था, ठीक। अब अशोक का जो द्वितीय बृहत शिलालेख है उसमें जो है चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था किसने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, महावीर जी ने या फिर धन्वंतरी जी ने। तो देखिए तो अशोक ने बहुत काम किया था, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है, तीर्थ यात्रा है या फिर मोक्ष में विश्वास है या फिर देव नाम प्रिय की उपाधि है या फिर पशु चिकित्सालय खोले गए। तो देखा जाए तो अशोक को, है ना, इस नाम से भी पुकारा जाता है, तो क्या है कि देव नाम प्रिय की उपाधि, है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और अशोक 272 ईस्वी पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठे और 269, है ना, BC के लगभग उनका राज्याभिषेक हुआ। उनके अभिलेखों में सर्वत्र उन्हें जो है देव नाम प्रिय, है ना, या फिर दवानाम प्रिय, है ना, या देवानाम प्रियदसी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उनके जो है हिंदू धर्म में आस्था के संकेत देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समित होने का उल्लेख मिलता है, अशोक के अभिलेख में, दीपवंश में, महावंश में या फिर दिव्यावदान में, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दीपवंश में और महावंश में, तो सेकंड एंड थर्ड, तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या फिर राजगृह में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त थे या अशोक थे या बिंदुसार थे या फिर दशरथ थे। तो ऐसे मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो अशोक थे और दशरथ थे, है ना। तो दूसरा और चौथा होगा इसका ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा चौथा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रज्जुक थे, क्या थे, चोल राज्य के व्यापारी थे,
मौर्य शासन में अधिकारी थे, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग थे, या फिर शक सेना में अधिकारी थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं, दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, या फिर महाजनों को, या फिर तीर्थयात्रियों को? तो इसमें क्या होगा हमारा, ये व्यापारियों के काफिले को है ना सार्थवाह कहा जाता था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, है ना, अग्रहारिक, या फिर युक्त, या प्रादेशिक, या फिर राजुक? तो इसमें अगर देखेंगे तो अग्रहारिक हमारा जो है आंसर सही होगा, और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिसमें अशोक के तृतीय शिलालेख में तीन पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीन पदाधिकारी कौन थे? एक थे युक्त, है ना, एक थे युक्त, दूसरे थे राजुक, ठीक, और तीसरे थे प्रादेशिक, है ना, यही नहीं मिलता है खाली। ठीक, तो युक्त क्या हुआ करते थे, युक्त होते थे ये जिले के अधिकारी होते थे और राजस्व वसूल किया करते थे। ठीक, राजुक क्या होते थे, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक जो न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। और जो प्रादेशिक हुआ करते थे उनका क्या था, ये जो है मंडल के प्रधान अधिकारी हुआ करते थे, और ये वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है, इसे जो है न्याय का भी कार्य करना पड़ सकता था, है ना, करते भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, या फिर कनिष्क ने? तो देखे तो आसान क्वेश्चन है, ये सारनाथ स्तंभ संबंधित है अशोक जी से, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, अमरावती, या भरहुत, या फिर सांची, या फिर सारनाथ? तो सांची का स्तूप जो है बहुत प्रसिद्ध भी है और सर्वश्रेष्ठ भी है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कला और संस्कृति आप डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, जो कि जो है जीएस पेपर वन का टॉपिक है, तो उसमें ये सब पढ़ने को बहुत डिटेल में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सांची का स्तूप, तो अशोक आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं, एक में स्थान और दूसरे में है उस स्थान से संबंधित जो स्मारक है। ठीक है ना, हमें इसको मैच कराना है। तो कौशाम्बी का जो संबंध है वो घोसिताराम मठ से है, तो ये दूसरे से मैच हो जाएगा। फिर कुशीनगर का जो रिलेशन है वो राणाभर स्तूप के साथ है, तो तीसरे से इसका कनेक्शन हो जाएगा। सारनाथ का क्या हो जाएगा, धमेख स्तूप हो जाएगा। ठीक, और श्रावस्ती का जो है सहेत और महेत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन इसका, ना, इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो ये जगह के नाम दिए हुए हैं, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। तो हमें इसका जो सीक्वेंस बताना है, तो सबसे पहले वो कहाँ गए थे, तो वो सबसे पहले गए थे लुम्बिनी। ठीक, फिर कहाँ गए थे, फिर वो गए थे कपिलवस्तु, फिर कहाँ गए थे, वो फिर गए थे गया, फिर कहाँ गए थे, फिर वो गए थे सारनाथ, फिर कहाँ गए थे, फिर वो गए थे कुशीनगर, और सबसे लास्ट में कहाँ गए थे, वो श्रावस्ती गए थे। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 4, 2, 1, 5, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है ना, कौन सी प्रयोग की गई, संस्कृत की गई, प्राकृत की गई, पाली की गई, या फिर हिंदी की गई? तो देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि अशोक कालीन जो अभिलेख, ऐसा कौन सा अभिलेख है कि जो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है ना,
कालसी है या फिर गिरनार है या फिर शाहबाज गढ़ी है या फिर मेरठ है ना। तो देखेंगे तो इसका क्या होगा, शाहबाज गढ़ी होगा और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, पाली में है, संस्कृत में है या प्राकृत में है या फिर ब्राह्मी में है ना। तो ये प्राकृत भाषा में है और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है, पत्थर की पट्टियों पर, मुहरों पर, स्तंभों पर या फिर सिक्कों पर, है ना। तो कहां पर किस पर किया गया है, पत्थर की पट्टियों पे किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, बूलर ने पढ़ा था या रॉबर्ट सेबल ने पढ़ा था या फिर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था या फिर कार्ड्रिगटन ने पढ़ा था, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए वही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज चेंज है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ए कनिंगम ने, ए एच दानी ने, व्हीलर ने या फिर जो है जेम्स प्रिंसेप ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जॉन टावर थे, हैरी स्मिथ थे, चार्ल्स मेटकॉफ थे या फिर जेम्स प्रिंसेप थे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप थे और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन डिसाइफर किसने किया था, जॉर्ज व्यूलर ने किया था, जेम्स प्रिंसेप ने किया था, मैक्स मुलर ने किया था या फिर विलियम जोन्स ने किया था, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जेम्स प्रिंसेप होगा और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, कहां पर पता चला, नागार्जुन कोंडा में पता चला है या फिर अनुराधापुर में या ब्रह्मगिरी में या फिर मास्की में, है ना। तो इसमें क्या है कि प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है। ठीक है ना, श्रीलंका स्थित है अनुराधापुर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और कुछ और स्थानों से अभिलेख इस प्रकार के लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जैसे पिपरहवा हो गया, सोहगौरा हो गया और महास्थान हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि है ना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाई से बाई लिखी जाती है, तो आंसर पहले ही पता चल चुका है, खरोष्ठी होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या फिर प्रियदर्शी, है ना। तो आंसर इसका हमें पता है, प्रियदर्शी होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है ना। तो इसका आंसर पता ही हमें, अशोक होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, इन पर बढ़िया पॉलिश है ये सही है, ये अखंड है ये भी सही है, स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है ये भी सही है, ये स्थापत्य संरचना के भाग ये गड़बड़ है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, कालसी, रुमिंदेई, विशिष्ट कलिंग राजादेश या फिर मास्की, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, मास्की आंसर होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है,
अब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रुमिनदेई स्तंभ लेख या फिर मास्की का लघु शिलालेख, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, मास्की का लघु शिलालेख, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, गुर्जरा में, अहरौरा में, ब्रह्मगिर में या फिर सारनाथ में, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा गुर्जरा हो जाएगा और ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है किस चीज से संबंधित है, बुद्ध के जन्म से है या बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से है या फिर बुद्ध के प्रथम उपदेश से है या फिर बुद्ध के शरीर त्याग से है, है ना। तो रुमिनदेई स्तंभ का जो संबंध है वो बुद्ध के जन्म से है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वो कहाँ पर स्थित है, है ना, वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है या फिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है या राजस्थान के जयपुर में है या फिर बिहार के चंपारण में है, है ना। तो ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, है ना, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभ है, मास्की का लघु स्तंभ या रुमिनदेई स्तंभ या क्वीन स्तंभ या फिर भाब्रू स्तंभ, है ना। तो इसमें देखेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ हो जाएगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालसी प्रसिद्ध है, है ना, कालसी प्रसिद्ध है बौद्ध चैत्यों हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण या फिर गुप्तकालीन मंदिरों के लिए, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये अशोक के शिलालेख के कारण, है ना, प्रसिद्ध है कालसी। अब कालसी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड के देहरादून, है ना, डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व बनता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली है, नैनीताल में मिली है, पौड़ी में मिली है, टिहरी में मिली है या फिर कालसी में मिली है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, कालसी आंसर होगा और डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है, शिलालेख एक में मिलता है, शिलालेख दो में मिलता है, शिलालेख 12 में मिलता है या फिर शिलालेख 13 में मिलता है, है ना। तो जो भी ये वर्णन है, विजय तथा क्षतियों का जो वर्णन है, ये शिलालेख 13 में देखने को मिलता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से, 13वें शिलालेख से होता है या रुमिनदेई स्तंभ लेख से होता है या वेन सॉन्ग के विवरण से होता है या फिर प्रथम लघु शिलालेख से होता है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसका आंसर बताया हमने, तो 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का विवरण देखने को मिलता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, है ना, शिलालेख 13, शिलालेख 12, स्तंभलेख 7, भाब्रू शिलालेख, है ना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, ये शिलालेख नंबर 12, है ना, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वो किस में सम्मिलित है, पहले और 10वें शिलालेख में, पहले और 11वें शिलालेख में, दूसरे और 13वें शिलालेख में या फिर दूसरे और 14वें शिलालेख में, है ना। तो आंसर देखेंगे तो इसका क्या होगा, दूसरे और 13वें शिलालेख में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, सातवाहन, है ना। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, सातवाहन हो जाएगा और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे
वह कहाँ का शासक था? साइरोन का था, मिस्र का था, मकदूनिया का था या फिर सीरिया का था, है ना? तो टालमे फिलाडेल्फस कहाँ के थे? ये मिस्र के थे, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, है ना? तो किसके थे? चोल के थे, गुप्त के थे, या मौर्य के थे, या फिर पल्लव के थे? तो वैसे देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना, और यही जो है काफी दूर तक सीमा साझा करता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो किस अभिलेख में हमें देखने को मिलता है, है ना? शिला अभिलेख एक में देखने को मिलता है, स्तंभ अभिलेख पांच में देखने को मिलता है, या फिर शिला अभिलेख नौ में देखने को मिलता है, या फिर शिला अभिलेख ग्यारह में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये स्तंभ अभिलेख पांचवें में देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कथन क्या है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण क्या दिया है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है ना, तो देखे तो कथन भी हमारा क्या है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। और जो कथन है उसका जो कारण दिया गया वो एकदम सही है ना, स्पष्टीकरण है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच के रिलेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या है कि मौर्य कालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है ना, कारण क्या है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जो कथन है, है ना, जो ये कथन है ये हमारा सही है, लेकिन जो है जो कारण है वो गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए सही है और आर गलत है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक के टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, या फिर हेमू के टाइम पे आया था, है ना? तो मेगस्थनीज आया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, किसके शासन काल में मेगस्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, है ना? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? चार में किया, पांच में किया, छह में किया, या सात में किया, है ना? तो मेगस्थनीज ने सात भागों में डिवाइड किया था, वो कौन कौन से हैं? एक थे दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठे क्या होते थे, निरीक्षण, और सातवें नंबर पे आते थे मंत्री। ठीक है ना, तो ये सात भागों में विभाजन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, वायु पुराण में, मेगस्थनीज की इंडिका में, है ना? तो देखेंगे तो ये क्या होगा, मेगस्थनीज की इंडिका इसका आंसर होगा, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर जाएगा। तो मौर्य समाज का विभाजन सात वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, अशोक के शिलालेख में है, पुराणों में है, या फिर मेगस्थनीज की इंडिका में है, है ना? तो इसका आंसर जस्ट अभी हमें मिला है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, मेगस्थनीज की इंडिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था, या फिर सामानों की कुर्की की जाती थी, या फिर कारावास होता था, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें देखा जाए तो टैक्स को छुपाने की सीधे सजा होती थी, है ना, मृत्युदंड। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटिल पुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावधान में है, या फिर अर्थशास्त्र में है, या फिर इंडिका में है, या फिर अशोक के शिलालेख में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका में है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, या फिर अशोक का अभिलेख। तो इसमें अगर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज की इंडिका, और बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, या फिर इंडिका। तो ऑप्शन देख करके ही आंसर पता चल चुका है, तो इंडिका होगा और इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका का मूल लेखक था कौन था? नियारकस था, मेगास्थनीज था, या फिर प्लूटार्क था, या फिर डायोडोरस था, है ना। तो इंडिका का मूल लेखक कौन था, वो मेगास्थनीज था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंडिका मेगास्थनीज, है ना, तो इंडिका का लेखक कौन, मेगास्थनीज, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य है ना मौर्य काल से जारी है? नापतौल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारण करना, या जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, या फिर शिल्पकारों का संरक्षण। तो इसमें अगर देखेंगे तो हमारा जो है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मौर्य युग में नगरों का जो प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, ठीक है ना, और जिसका जो इसका जो प्रमुख होता था वो नागरक या फिर पुरमुख्य होता था, ठीक है ना। अब मेगास्थनीज ने पाटिल पुत्र के नगर परिषद की पांच पांच सदस्यों वाली छह समितियों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। इसमें से तीसरी समिति, है ना, इसमें से जो तीसरी समिति है ना, उसका संबंध थर्ड समिति जो है, इसका संबंध जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था किस चीज का? संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्के का, या प्रांतीय विभाजन का, या फिर हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो देखेंगे तो इसमें क्या है कि मौर्य सम्राटों ने, है ना, संस्कृति, कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, निभाई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो उत्तर पश्चिम में, है ना, ईरान से लेकर के, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के कहाँ तक, दक्षिण में अभी जो वर्तमान स्थिति में जो कर्नाटक है, उत्तरी कर्नाटक, है ना, वहां तक का था, है ना, वहां तक का इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक, और पूर्व में मगध से लेकर के, पूर्व में मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र, है ना, पश्चिम सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब क्या है, गुजरात, है ना, गुजरात, गुजरात तक इनका फैला हुआ था। अब इतिहासकार जो स्मिथ थे उनके अनुसार क्या था कि जो हिंदुकुश पर्वत, है ना, भारत की वैज्ञानिक सीमा हुआ करती थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के पांच प्रांतों, है ना, कितने प्रांतों, पांच प्रांतों के नाम मिलते हैं। अब वो कौन कौन से नाम है, तो एक है उत्तरापथ, है ना, एक है उत्तरापथ, दूसरा है अवंतिरट, तीसरा है कलिंग, चौथा है दक्षिणापथ, और पांचवा है प्राच्य या फिर पूर्वी प्रदेश। ठीक, अब ये जो स्वर्ण सिक्के हैं, सोने के जो सिक्के हैं, है ना, स्वर्ण सिक्कों को भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है, इंडो ग्रीक को जाता है ना, या हिंद यमन को जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, बी हट जाएगा। ठीक, इसलिए क्या होगा हमारा, ए, सी और डी, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है डी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, भाग एवं बलि थे क्या चीज थे, ये सैनिक विभाग थे या फिर राजस्व के स्रोत थे या फिर धार्मिक अनुष्ठान था या फिर प्रशासकीय विभाग था। तो भाग और बलि जो है प्राचीन भारत में है ना राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये चीज कहाँ से प्राप्त होती है हमें, जो अर्थशास्त्र था, अर्थशास्त्र से हमें ये बात पता चलती है कि जो राजा होते थे है ना, जो राजा होते थे वो भूमि का मालिक होता था, तो भूमि से जो भी चीज उत्पन्न होती थी, उत्पाद के रूप में आती थी, उसका एक भाग पर उनका अधिकार होता था, इसी को क्या बोलते थे, भाग बोलते थे। ऐसे क्या है कि बलि भी जो है राजस्व के स्रोत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था, एग्रोनोमोई द्वारा या शुक्लाध्यक्ष द्वारा या सीताध्यक्ष द्वारा या फिर अक्राध्यक्ष द्वारा, है ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या कि सीताध्यक्ष हमारा सही ऑप्शन होगा, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या करते थे कि जो सीताध्यक्ष थे वही भूमिकर वसूलने का कार्य किया करते थे, इनका काम क्या था, भूमिकर वसूल करना, है ना, क्या था, भूमि कर वसूली, है ना, वसूली इनका काम हुआ करता था। ठीक, और एग्रोनोमोई क्या था, ये जिला के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है ना, ये जो जिला के अधिकारी हुआ करते थे। शुक्लाध्यक्ष क्या होते थे, ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार का कर जो है वसूला करते थे। ठीक, और अक्राध्यक्ष क्या हुआ करते थे, इनको और क्या बोला जाता, आकाराध्यक्ष, है ना, ये खानों का नियंत्रण करते थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस से पता चल जाएगा, सीताध्यक्ष से जो संबंधित है, है ना, तो ऑप्शन सामने है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को जो है सीता बोला जाता था मौर्य काल में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल या फिर प्रदेष्टा, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, समाहर्ता, है ना, समाहर्ता, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और अंतपाल का क्या रोल हुआ करता था, ये सीमा रक्षक या फिर सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल किया करते थे, और प्रदेष्टा क्या होते थे, ये जो है कमिश्नरियों का प्रशासक होते थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्योगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था, पौतवाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष या फिर सूनाध्यक्ष, है ना, तो तौल माप का जो प्रभारी हुआ करता था मौर्युगीन मतलब मौर्य काल में, उसका क्या बोलते थे हम, पौतवाध्यक्ष, है ना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, पांड्याध्यक्ष क्या हुआ करते थे, ये वाणिज्य विभाग से संबंधित थे, और सूनाध्यक्ष क्या थे, सूनाध्यक्ष जो बूचड़ खाने के प्रभारी हुआ करते थे, और सीताध्यक्ष के बारे में हमें पता चल गया है कि राजकीय जो भूमि है ना जो प्राप्त आय होती थी उससे संबंधित हुआ करते थे। ठीक है ना, राजस्व से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकोदक सन्निरोधे है ना मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था, अब ये जुर्माना किस चीज से संबंधित था, है ना, ये जुर्माना किस चीज से संबंधित था, पीने के पानी को गंदा करने पर था या फिर सड़क पर कीचड़ फैलाने पर था या कूड़ा फेंकने पर था या मंदिर को गंदा करने पर था, है ना, तो पंकोदक सन्निरोधे ये जो जुर्माना हुआ करता था ये सड़क पर कीचड़ फैलाने से संबंधित था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कितनी बढ़िया व्यवस्था हुआ करती थी उस समय, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन,
इसमें हो जाएगा क्या, मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था, है ना। और इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये वैशाली क्या है कि वैशाली जो है वर्तमान स्थित में बिहार में है और ये वहाँ का एक जिला है, और प्राचीन काल में वैशाली जो है बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा है ना। इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी, गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की गई थी। ठीक, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, ये 563 563 ईस्वी पूर्व में है ना गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का भी जन्म यही हुआ था। ठीक, अब जो नालंदा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ठीक, आज भी है नालंदा यूनिवर्सिटी। सर्वप्रथम यहाँ पे बौद्ध विहार के स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी, और नालंदा में की गई खुदाइयों से यह पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। ठीक, तक्षशिला मौर्य काल में है ना हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य कालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, कौन से वो थे ना, कौन से न्यायालय थे, धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जुक या फिर कंटक शोधन, है ना। तो इसमें अगर देखेंगे तो धर्मस्थीय और कंटक शोधन है ना ये न्यायालय जो है अस्तित्व में आए थे, है ना, न्याय व्यवस्था से संबंधित थे। किस समय आए थे, ये मौर्य काल में आए थे। ठीक है ना, तो देखेंगे तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये दूसरा और चौथा है ना, दूसरा और चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड एंड फोर्थ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय हुआ करता था, श्रमण का हुआ करता था, परिव्राजक का हुआ करता था, अग्रहारिक का हुआ करता था या फिर मागध का हुआ करता था। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे तो इनका जो संकलन होता था, कंठस्थ करना होता था, वो मागध का है ना व्यवसाय हुआ करता था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया, है ना, कुषाणों ने किया, द्रविड़ों ने किया, आर्यों ने किया या फिर मौर्यों ने किया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, द्रविड़ों ने किया था सूत्रपात, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपने सुना होगा चोल वंश, तो यहाँ पे इसी का आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे चोल आ जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, कामसूत्र में, मानव धर्मशास्त्र में या फिर शुक्र नीति सार में या फिर अर्थशास्त्र में, है ना। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ये अर्थशास्त्र में है ना ये अनुमति दी गई है। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे रिलेटेड कई फैक्ट्स हैं जो एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, और मौर्यकालीन समाज में क्या था, तलाक की प्रथा थी, पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी, मतलब इतना अधिकार उनको दिया गया था। ठीक है ना, इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग करने का अधिकारी होता था। ठीक है ना, दोनों पक्ष पे था, है ना, पुरुष वर्ग पे भी जो है अधिकार थे और महिला वर्ग पे भी अधिकार थे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, जातक में या मनुस्मृति में या फिर याज्ञवल्क्य में या फिर अर्थशास्त्र में, है ना। तो पुनर्विवाह जो वर्जित था वो मनुस्मृति में था, है ना, वहां पे इसको देखने मिलता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
अब ये मनु स्मृति के 38वें खंड में है ना, जो 38वां खंड है उसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो है ना, जो विधुर हो, वो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा है ना, पुनर्विवाह की अनुमति उसमें नहीं देखी गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, क्षत्रियों का स्तर था या फिर व्रात्य क्षत्रियों का था या वैश्यों का था या फिर शूद्रों का था, है ना। तो जो मनु द्वारा विदेशियों को भारतीय समाज में है ना जो सामाजिक स्तर दिया गया, उनको व्रात्य क्षत्रियों का दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत के प्राचीन इतिहास में हमें पता है कि कई ऐसे होते थे है ना, दार्शनिक हुआ करते थे या साहित्यकार हुआ करते थे जो भारत में आते थे। तो यहाँ पे ऐसे ही फायान है, मेगास्थनीज है, इत्सिंग है और वेन सॉन्ग है ना। तो इनका हमें कालानुक्रम बताना है ना, कौन कौन सा कालानुक्रम इसका सही होगा, पहले कौन आया, लास्ट में कौन आया, है ना। तो इसमें देखेंगे तो मेगास्थनीज सबसे पहले आए थे, फिर फाहयान आए थे, फिर वेन सॉन्ग आए थे और फिर इत्सिंग आए थे, है ना। तो ऐसे अगर सीक्वेंस चेक करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो सूची दी हुई है, एक सूची में नाम दिया हुआ है और दूसरी सूची में उनको किसी और नाम से बुलाया जाता था, वो दूसरी सूची में दिया गया है, वो हमें मैच कराना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस बोला जाता था, है ना, तो ये दूसरे से मैच कर जाएगा, ठीक। बिंदुसार को अमित्रघात बोला जाता था, ठीक है ना, तो ये तीसरे से मैच कर जाएगा। अशोक को प्रियदशी बोला जाता था, तो ये पहले से मैच कर जाएगा। और चाणक्य को विष्णुगुप्त बोला जाता था, तो ये चौथे से मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था, जालौक था या फिर अवंती वर्मा थे या फिर नंदीवर्धन थे या फिर बृहद्रथ थे, है ना। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, ये बृहद्रथ थे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब बृहद्रथ की जो हत्या थी, इसके सेनापति है ना, इनके सेनापति कौन थे, वो थे पुष्यमित्र, है ना। पुष्यमित्र ने इनकी क्या की थी, हत्या कर दी थी, ठीक है ना। और कब की गई थी, 184 है ना ईसवी पूर्व में, है ना, ईसवी पूर्व में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि कथन दिए गए हैं और हमें यह चेक करना है कि कौन सा सही है। तो पहला है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने की थी, तो बिल्कुल सही है। अंतिम सुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखेंगे तो हमारा तीनों ऑप्शन, मतलब कि तीनों कथन हमारे सही हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, महापद्म नंद ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या अशोक ने या फिर रुद्रदमन ने या कई लोग, है ना। तो देखेंगे तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो है जल संसाधन व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया था, बहुत जोर दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दूसरा और तीसरा हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे या फिर अशोक थे या रुद्रदामन थे या फिर स्कंदगुप्त थे, है ना। तो जल संसाधन व्यवस्था से संबंधित है, है ना। तो और यहाँ पे प्रथम शासक पूछा गया है तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति में, या फिर महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, या फिर अशोक का गिरनार अभिलेख में, या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख में, है ना? तो दोनों का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, है ना? तो अभी अभी इसका आंसर हम लोगों ने देखा, क्या हो जाएगा आंसर हमारा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, है ना? इसमें से कौन सा सही नहीं है? बराबर पहाड़ी पर कुल चार गुफाएं हैं, तीन गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये अभिलेख ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमें वो सेलेक्ट करना है कि जो सही नहीं है, है ना? तो इसमें चेक कर लेते सही कौन सा है, तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन हमारा गड़बड़ है। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जो है यूनानी आक्रमण और मौर्य साम्राज्य से संबंधित टोटल 115 प्रश्न। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छा लगता है, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, शेयर करें। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम जो है मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न 1990 से लेकर के 2020 तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम एक जगह पे सॉल्व करेंगे। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, आप उसमें जा करके, है ना, अभी तक के जितने भी वीडियोस अपलोड किए उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। धन्यवाद।